नमस्कार दोस्तों, बड़ी उथल पुथल चल रही है और राजनीति बड़े अलग लेवल की चल रही है। और अलग लेवल की राजनीति केंद्र सरकार में अब चल रही है। राज्यों की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो राजनीति है वो अब थोड़ा एक अलग मोड़ पर जा रही है। सब अपने अपने हितों को देख रहे हैं और सब अपने हित साधने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ कि केंद्र में जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जो अभी कृषि संबंधी दो तीन विधेयक अध्यादेश जो लाए गए हैं संसद में, उनके खिलाफ उनकी नाराज़गी है। हालांकि ये नाराज़गी देर में आई, किसान आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा के और पंजाब के पहले से ही। और इन सब का ये कहना है कि ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है ये किसान विरोधी है, किसानों को, छोटे आढ़तियों को, कमीशन एजेंट्स को इससे नुकसान होने जा रहा है। और अब हरसिमरत कौर बादल ने इसमें इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा क्यों दिया ये मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा एक ताज़ा डेवलपमेंट ये चल रहा है कि हरियाणा में जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है JJP, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसके भी तेवर कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हैं। और बताया जाता है कि दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर अपनी नाराज़गी जताई है और कहा है कि भाई हमें किसानों को जवाब देना है और हम इस मामले में सपोर्ट नहीं कर सकते। हालांकि ये लोगों को अटकलें लग रही हैं कि शायद वो समर्थन वापस ले लेंगे अब खट्टर की सरकार से, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हरसिमरत कौर बादल को शायद ये गुमान नहीं था कि वो इस्तीफा देंगी और नरेंद्र मोदी इस्तीफा मंजूर कर लेंगे। ये एक अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा मेरे हिसाब से, अगर मैं विश्लेषण की बात करूं तो। दरअसल हरसिमरत कौर बादल को लग रहा था कि वो दबाव बनाने में सफल रहेंगी, मोदी सरकार कुछ मुद्दों पर, कुछ पॉइंट्स पर पीछे हट जाएगी या संशोधन के लिए एग्री हो जाएगी या इन अध्यादेश को आगे के लिए टाल देगी। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और इन्हें लोकसभा में रख दिया गया और मोदी सरकार आगे बढ़ गई है इन्हें लेकर। और आज हरसिमरत कौर का इस्तीफा मोदी ने मंजूर कर लिया और नरेंद्र तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्हें उनके डिपार्टमेंट सौंप दिए गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको रास्ता अलग अपनाना है तो आप अलग जाइए। दरअसल अकाली दल की जो राजनीति है उससे मुझे लगता है कि मोदी, नरेंद्र मोदी आज ही जा चुके हैं। अकाली दल से दोस्ती बीजेपी पर कुछ इसी तरह से बोझ की तरह है जैसे कि शिवसेना से थी महाराष्ट्र में। शिवसेना से तो पिंड अपने आप छूट गया, शिवसेना सत्ता के लालच में खुद ही अलग हो गई। और अब 2022 में पंजाब में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ ही। और हरसिमरत कौर बादल, उनके पति सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के जो नेता हैं, उन्हें ये लग रहा था कि शायद किसानों की जो पार्टी है अकाली दल, किसानों की पार्टी मानी जाती है, मालवा बेल्ट में इसका अच्छा खासा होल्ड है पंजाब के, और उन्हें ये लग रहा था कि शायद अगर हम इन कृषि पर लाए गए अध्यादेशों का हम अगर विरोध नहीं करेंगे तो शायद किसान हमारे से नाराज हो जाएंगे। ये जो तीन अध्यादेश हैं इनके बारे में बताऊं, इसमें एक है उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश और आवश्यक वस्तु संशोधन। ये तीन बिल इस तरह से लाए गए हैं। और अब इस बात को लेकर जो नाराजगी है उनकी, उसको मैं बताता हूं आपको, उनको नाराजगी क्या है मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूं। पंजाब में किसान अकाली दल की रीढ़ है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि सभी अकाली किसान हैं और सभी किसान अकाली हैं। पंजाब की सभी किसान यूनियन अपने मतभेदों को किनारे रखकर इन अध्यादेशों का विरोध कर रही हैं। मालवा बेल्ट के किसान ये चेतावनी जारी कर चुके हैं कि जो भी नेता इन अध्यादेशों का समर्थन करेगा उन्हें गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा। 100 साल पुरानी पार्टी अकाली दल पंजाब में अभी फिलहाल हाशिए पर चल रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी केवल 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। ऐसे में अकाली दल अपने वोट बैंक को किसी भी सूरत में और नाराज नहीं करना चाहता।
और राजनीति के विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी के अस्तित्व का सवाल है और उनके सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं था। 2017 से पहले अकाली दल लगातार दो बार सत्ता में रहा। 2017 के चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को महज 15% सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1957 के बाद सबसे बड़ी जीत मिली थी। दरअसल इन बिल को लेकर चिंताएं क्या हैं? कहा जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के सामने अकाली दल को झुकना पड़ रहा है, नहीं तो वो बीजेपी को विरोध करने की स्थिति में नहीं है। पंजाब में किसानों को डर है कि आने वाले वक्त में MSP को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों को डर है कि उनके कमीशन खत्म हो जाएंगे। ये दरअसल इनकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार पंजाब में 12 लाख परिवार किसान हैं और 28,000 रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट, जिन्हें आढ़ती कहते हैं, वो हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की एजेंसियों के फंड पर निर्भर है। इनमें FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे प्रमुख है। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा FCI द्वारा किया जाता है या फिर FCI उसे खरीदता है। साल 2019-20 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति पंजाब ने ही की थी। वहीं साल 2018-19 में केंद्र द्वारा की गई 443 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कुल खरीद में से 113.3 लाख मीट्रिक टन पंजाब से लिया गया था। और जो लोग किसान इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये डर है कि FCI अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों का करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा जो वो एजेंसी की खरीद पर लगाता आया है। तो इसी तरह की चिंताएं हैं और इन्हीं चिंताओं को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने ये इस्तीफा दिया है। और अकाली दल और बीजेपी की अगर बात करें तो इनके संबंध पिछले दिनों कुछ अच्छे नहीं रहे हैं और इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि SS ढींडसा के नेतृत्व वाले अकाली दल के साथ अपने संबंधों में कुछ बदलाव करने में बीजेपी सोच रही है। ये भी एक नया डेवलपमेंट चल रहा है। और इससे इस बारे में लेकर नरेंद्र मोदी का जो बयान है, मुझे वो सख्त नज़र आ रहा है। बहुत ही नरेंद्र मोदी ने आज बयान दिया है कि कुछ राजनीतिक दल जो 70 साल से यहाँ देश में सरकार चला रहे थे, सत्ता चला रहे थे, वो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये बिल उनके खिलाफ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी को भी लग रहा है कि अगर आप अकाली दल विरोध कर रहे हैं तो आप जाइए, अपने रास्ते जाइए, हम सब चीज़ों से निपट लेंगे। बहरहाल स्थिति ये नज़र आ रही है कि शायद आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव हों पंजाब के, उसमें शायद अकाली दल और बीजेपी की दोस्ती ना रह पाए। और बीजेपी मुझे लगता है कि अब ये मन बना चुकी है कि अकाली दल के बिना पंजाब में लड़कर देखा जाए, क्योंकि कई ऐसी स्टेट हैं बीजेपी जहां पहले पार्टनर्स के साथ चल रही थी, बिहार है और महाराष्ट्र है, कई ऐसे स्टेट्स थे। अब बीजेपी धीरे धीरे वहां पर एकला चलो की राह पर चलना चाहती है और हो सकता है कि हरसिमरत कौर बादल का यह इस्तीफा जो उन्होंने दिया और बाद में मंजूर कर लिया गया, ये इसी इस राह पर एक अलग स्टेप बने। इस मामले पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.